लॉकडाउन के चलते जांजगीर जिले में टेंपल सिटी शिव नारायण के वार्ड नंबर 1 में जोगी डीपा के शिकारी मोहल्ले में रह रहे लोगों की आर्थिक हालत इतनी खराब हो गई है कि उन्हें जीवन की गाड़ी चलाने में भी काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आर्थिक हालत खराब होने के कारण यहाँ रह रहे लोगों को खाने के एक एक दाने के लिए तरसना पड़ रहा है। यही कारण है कि भूख और आर्थिक परेशानी से तंग आ चुकी अनीता ने इसे छुटकारा पाने के लिए एक ऐसा रास्ता चुना जिसके बारे में सुनकर हर कोई हैरान हो गया। भूख और आर्थिक तंगी ना झेल पाने के कारण 23 साल की अनीता ने जहरीला पदार्थ खाकर खुदकुशी कर ली। परिजनों की माने तो ना उनका राशन कार्ड बना था और ना ही उनका किसी बैंक में खाता था। इतना ही नहीं, उन्हें किसी जनप्रतिनिधि से भी कोई सहायता नहीं मिली थी। कैसे मतलब 10-15 दिन हो गए चाउर सिर आ गए से मांग मांग के खाते रहे ना, कमात रहे तो खात रहे न, वह जाते रहे काम में वह जाते रहे। अब चाउर लॉकडाउन लग गई तो कोई पुलिस वाला हम कुदात रहे तो गए नहीं चाउर जाओ सब सिर आ गए। बहुत दिन मांग मांग के राशन पा नहीं पाए, मांग मांग के खाए ना हमारे सास मन कर ले। तो राशन कार्ड नहीं बने लिखवाई सपना छो नहीं बने बने बर नगर पंचायत ना नगर पंचायत हाँ। और सबके बैंक खाता में पैसा आते रही, हमारे बैंक खाता में बंदे छोगी सो मेरी लिखा गई रही से हमारे बैंक खाता और सब गांव भर के पाई नहीं हमारे भर घर के वाले नहीं पैसे ओला गुनी से ओला करी से करके उसने करके अब चावर मांग के लिए रांधी दाल नमक डाल के दाल में रांधे रही भात तब ओला खवाई से खा जी के तो मैं बाहर से जाता हूँ जी तो लड़का लड़का धर के लड़का पा कैसे नहीं पाए बाहर से गए पेट पिरात रही थे वो तिलात ले कहा भी सोची दद्दा जहर लखा ले रही कहाँ भी पाई पता नहीं। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि इस घटना के बाद अनीता जैसी दूसरी महिलाओं और लोगों के लिए छत्तीसगढ़ सरकार क्या कदम उठाती है। ये शिवदी नारायण वार्ड क्रमांक 1 मनहरन शिकारी उम्र 62 साल का है। इसने जो है रात्रि में 22-20 बजे रात को रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी बहू श्रीमती अनीता पति के नाम है रोहित शिकारी उम्र 27 साल ये जो है अज्ञात कारण से जहर सेवन करके फौत हो गई है। इसकी शादी जो है 4 साल पूर्व हुई है और उसके जो है मौत का कारण जो है ज्ञात नहीं हुआ है, लेकिन इनके द्वारा बताया जा रहा है कि अनीता अपने घर में बेहोश थी और कीटनाशक दवाई की बदबू आ रही है, इस आधार पर जो है उसमें मर कायम किया गया है। लेकिन ऐसा जांच में पाया जा रहा है कि उसे आर्थिक परेशानियों के वजह से उसने जो है जहर सेवन की है। फिलहाल मर कायम करके जांच पंजनामा कार्रवाई कर दिया गया है। सब पोस्टमार्टम कराने के बाद लाश को कफन दफन हेतु दे दिया गया है। जांच आगे जांच जारी है, जो उन कार्रवाई की जाएगी। भारत 9 के लिए शिवरी नारायण से मुरली नायक की रिपोर्ट।